हेलो बॉस, एक्सेल में जब आप माउस पॉइंटर को मूव करते हो तो आप देखते होगे कि आपका माउस पॉइंटर का शेप जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके का हो जाता है, और साथ ही जब आपका माउस पॉइंटर का शेप अलग अलग होगा तो माउस का फंक्शनैलिटी भी आपका चेंज होगा, ठीक है। और इसको समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में आप 10 माउस पॉइंटर शेप को देखने वाले हो, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बॉस, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी आपके स्क्रीन पे जो है एक्सेल खुले हुए हैं। इस सिंबल के जरिए आपको पता चलेगा कि आप जो है माउस पॉइंटर का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला है आपका एरो। एरो का यूज़ जब भी आप यहाँ पे कोई भी टैब को सिलेक्ट करते हो या फिर यहाँ से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, वहीं अगर आपको सर यहाँ से मिनिमाइज करना हो या फिर मैक्सिमाइज करना हो तो आप यहाँ से एरो को यूज़ करके कर सकते हो। साथ में अगर आपको एक सीट से दूसरे सीट में जाना हो तो भी आप यहाँ से एरो को यूज़ करके कर सकते हो। तो सर आप जो है एरो का यूज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपका सर जनरल सेलेक्ट। ये आपका जनरल सेलेक्ट में कुछ इस तरीके से आपका सिंबल शो होगा, जो कि ये आपका एक बोल सकते हो कि ये आपका थिक प्लस है। तो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई बीम कर्सर। आई बीम कर्सर आपको तब शो होगा जब आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ से आई बीम कर्सर शो होगा। यहाँ से आप अपना टाइपिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको आई बीम कर्सर जो है आप यहाँ से फॉर्मूला में भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है ब्लिंक करते हुए, यहाँ पे भी आप अपना फॉर्मूला को ऐड कर सकते हो यहाँ पे टाइप करके। यहाँ से अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो तो आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे भी आपको आई बीम कर्सर शो होगा। यहाँ से आप उसे एडिट करके आप जिस भी टाइप का फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हो यहाँ से टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। तो सर बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है फिल कॉपी। फिल कॉपी का सिंबल आपको दिख रहा है, ये प्लस करके है और ये प्लस काफ़ी आपका स्मॉल है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं 2, 4। जैसा कि सर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक सेल में हमने यहाँ पे 2 टाइप किया है, वहीं दूसरे सेल में 4। इस दोनों सेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ से इस राइट साइड कॉर्नर पे इसका जाएंगे तो आप देखोगे इसका प्लस जो है काफ़ी स्मॉल हो चुका है, ठीक है। जैसे ही सर आप देखोगे इसका प्लस स्मॉल हो रहा है, आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है, यानी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेते हैं, तो अभी आप देख पा रहे हो अभी ये आपका कॉपी हो चुका है। किस तरीके से कॉपी हुआ है वो आप समझो। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था 2, 4 को और इसका बीच में जो आपको यहाँ पे गैप मिल रहा है उसी पैटर्न पे फॉलो करके आपको यहाँ पे कॉपी करके दिखाता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये आपका 2 का टेबल के पैटर्न पे आ चुका है, ठीक है। तो सर ये तो आपने देख लिया किस तरीके से कॉपी किया जाता है। वहीं सर अगर आपको इसे फिल करना हो, जैसे अभी हमें यहाँ पे 10 को फिल करना है, आपको सिंपली यहाँ से 10 वाले सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ये प्लस चेंज होके स्मॉल होता है, आपको सिंपली ड्रैग करके आप चाहो तो राइट साइड लाना है तो राइट साइड इसे ड्रैग कर लो। तो आई होप कि आप जो है फिल कॉपी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंबल जो है सेलेक्ट इंटायर रो। अगर आपको पूरा रो को सिलेक्ट करना हो तो आपको सिंपली यहाँ से किसी भी नंबर पे आके सिंपली आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपका यहाँ से पूरा इंटायर रो सिलेक्ट हो चुका है। तो सर आपको बता दें कि टोटल रो जो है आपका 1,10,48,576 है, ठीक है। तो ये सारा आपका सेलेक्ट हो चुका है। आपका सेलेक्ट इंटायर कॉलम, अगर आपको इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप यहां से किसी भी लेटर पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो ये आपका इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं सर अगर टोटल कॉलम की बात करें तो टोटल कॉलम हो जाएगा आपका 16,384। तो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका मूव सेलेक्ट सेल। सबसे पहले यहाँ से किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लो, चाहे आप एक सेल को सिलेक्ट करो या फिर मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्टेड सेल के टॉप पे या फिर बॉटम में या फिर राइट साइड कहीं पे भी आप ले जाओगे इसे, इस तरीके से लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके आप इसे जहाँ पे भी ले जाओगे ये आपका जो है मूव हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो ये आपका पूरा सेल जो है मूव हो चुका है। तो सर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल जेड प्रेस करके इसे बैक कर लेता हूं, ठीक है। फॉर्मेट सेल को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे अभी 10 है, इस 10 पे एक फॉर्मेट को अप्लाई कर देते हैं। पहले इस 10 को यहां से बोल्ड करते हैं, बोल्ड करने के बाद इसका कलर जो है यहां से रेड कर देते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हो ये हमारा 10 बोल्ड है, साथ ही रेड कलर है और साथ ही सेंटर भी है, ठीक है।
ये अभी जो है फॉर्मेट मैंने इस पे अप्लाई कर दिया है और हम चाह रहे हैं फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो ये सारे 2 से 20 तक पे। आपको इस सेल पे सिलेक्ट कर लेना है जिस सेल का आप फॉर्मेट पेंटर करना चाहते हो। फॉर्मेट पेंटर एक्चुअली क्या करता है कि ये आपका फॉर्मेट को पूरी तरीके से कॉपी कर लेता है। सबसे पहले इस सेल पे सिलेक्ट कर लेना है। इस सेल पे वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देख पा रहे हो अभी आपका ये माउस पॉइंटर जो है कुछ अलग टाइप का यहाँ पे शो हो रहा है ब्रश टाइप में, ठीक है। आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे उस सेल आपका वैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी मैं यहाँ 2 पे क्लिक करता हूँ आप देख पा रहे हो ये 2 और 10 जो है सेम हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई किया। इसी तरीके से सर अगर आप चाह रहे हो 2 पे जो फॉर्मेट अप्लाई है उसी को हम यहाँ से 2 से 20 तक अप्लाई कर दें तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। तो अभी आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट करके आपको यहाँ से ड्रैग करके 20 तक आ जाना है और यहाँ से बाहर निकल जाए। तो आप सर यहाँ पे देख पा रहे हो जिस तरीके से आपका 2 का फॉर्मेट था उसी तरीके से आपका 2 से 20 तक का फॉर्मेट हो चुका है। तो आई होप कि आप फॉर्मेट पेंटर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक्चुअल में फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है कि आपका जिस भी सेल पे जो भी फॉर्मेट अप्लाई है उस सेम फॉर्मेट को वो अप्लाई करेगा। तो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कॉलम रिसाइज। अगर आपको कॉलम को रिसाइज करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे जी का कॉलम को हमको साइज का रिसाइज करना है यानी इसका विड्थ को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है। कम करना हो तो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो भी आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर रो रिसाइज की बात करें तो जब आपका इस तरीके का सिंबल शो हो तो आप इसका हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अगर सर आप ये 10 माउस पॉइंटर के सिंबल को समझ जाओगे तो आपके लिए एक्सेल में आगे बहुत आसान होने वाला है। 10 माउस पॉइंटर को समझने के बाद हम एक और समझ लेते हैं जो कि हमारा नॉट इनफ स्पेस। नॉट इनफ स्पेस जो है ये आपको कई बार आपको शो होता है आपको सेल में। ऐसा इसलिए शो होता है क्योंकि आपका सेल जो है उसका साइज बहुत कम रहता है, ठीक है। और आपका एंट्री कुछ ज़्यादा हो जाता है और आप सेल का स्पेस कम रहता है तो आपको वहाँ पे हैच मार करके शो होता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखो विड को जो है पूरा स्मॉल कर रहा हूँ और स्मॉल करता हूँ और स्मॉल करता हूँ। तो सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे ही आपका 1 डिजिट तक तो आपका शो हो रहा है लेकिन जो भी आपका 2 डिजिट है वहाँ पे आपको हैच शो हो रहा है। ये हैच शो होने का बस एक ही कारण है, वो है आपका नॉट इनफ स्पेस ऑफ द सेल। कि दोस्तों आप जो है ये 10 माउस पॉइंटर के सिंबल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।